ये कहानी थॉमस नाम के बंदे के बारे में है जो अपनी 3 दर्जन फैमिली के साथ एक घर में रहता है और इस घर में सिर्फ एक ही रूम है। ये रूम भी छोटा है। थॉमस की एक जॉइंट फैमिली है जिसमें टोटल 36 लोग हैं, जिसकी वजह से इनके घर में प्राइवेसी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। इनके घर में एक ही बाथरूम था जिसमें पूरा दिन थॉमस बैठा रहता था और बच्चों से लेकर जवान औरतें सबके सामने नंगी होकर कपड़े चेंज करती थीं। ऐसा करने में उन्हें कोई भी शर्म महसूस नहीं होती थी। कुछ साल पहले थॉमस ने अपनी एक आँख गंवा दी थी, जिसके बाद उसे इंश्योरेंस का काफ़ी सारा पैसा मिला, लेकिन इतनी गरीबी होने के बाद भी वो उन पैसों को अपनी फैमिली के साथ बांटना नहीं चाहता। इसलिए जब भी उसका बेटा उसे पैसे मांगने के लिए आता है वो उसे मारकर भगा देता है। थॉमस जब भी सोने जाता है तो अपने पास एक बंदूक रखता है, क्योंकि वो जानता है उसके सोने के बाद उसके घर का कोई ना कोई मेंबर उसके पैसे चुरा लेगा। इसके बाद हम देखते हैं उसे अधेड़ उम्र की औरतों को छेड़ने में बहुत मजा आता है। वो इस मौके को कभी भी नहीं छोड़ता। थॉमस की बड़ी बेटी पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और उसकी दूसरी बेटी लोगों के घर में पोछा लगाने का काम करती है। एक दिन जब वो अपनी बड़ी बहन के साथ जा रही थी, वो अपनी बहन से कहती है, पैसे कमाने के लिए तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बहन कहती है, दूसरों के घर में पोछा लगाने से तो ये काम अच्छा है और इसमें मजा भी आता है और पैसे भी मिलते हैं। थॉमस के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी और खाने को लेकर उनमें झगड़ा भी होता था। थॉमस एक बहुत ही बड़ा ठरकी था और दारू पीने के बाद जब उसे होश आता था तब वो भूल जाता था कि उसने पैसे किस काम के लिए खर्च किए हैं, और इसीलिए हर रोज पैसों को गिनकर वो दूसरी जगह रखता था। उसके बाद हम देखते हैं एक दिन थॉमस की फैमिली को पता चलता है उसकी बूढ़ी माँ को पेंशन का पैसा मिलने वाला है, इसलिए वो उन्हें जबरदस्ती पेंशन ऑफिस लेकर जाते हैं और पैसे निकालने के बाद बांटने के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। एक दिन थॉमस सोने के बाद सपने में देखता है उसकी फैमिली ने उसका सारा पैसा चोरी कर लिया है और वो लोग उस पैसे से बहुत इंजॉय कर रहे हैं। वो अचानक से उठता है और अपने पैसे को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है उसका एक भी पैसा वहां पर नहीं है। वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और पूरे घर को तहस नहस करने लगता है। इसके बाद उसे अपने बेटे पर शक होने लगता है और वो उससे पूछने की जगह सीधा उसे गोली मार देता है, जिसकी वजह से उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है, लेकिन अगले ही दिन वो अपने पैसों की वजह से जेल से छूट जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं घर के सभी लोग थॉमस के पैसों को हर जगह ढूंढ रहे थे, तभी वहां पर थॉमस आता है और सीधा बाथरूम में जाकर उन पैसों को निकाल लेता है। एक्चुअल में थॉमस ने बाथरूम में पैसे छुपाए हुए थे जिसे वो खुद ही छुपा कर भूल गया था। थॉमस के जाने के बाद घर के सभी लोग उस बंदे को मारते हैं जिसने कहा था, मैंने बाथरूम चेक कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं थॉमस जब घूम रहा था तभी वो एक धंधे वाली से मिलता है और उससे बातें करने लगता है। थॉमस उससे कहता है वो काफी अकेला है और उसकी फैमिली में उसे कोई भी प्यार नहीं करता, पूरी फैमिली उसका पैसा उससे छीनना चाहती है। इसके बाद थॉमस उसके साथ संभोग करता है और रात को अपने घर पर उसे लेकर आता है। घर जाने के बाद वो अपनी बीवी को बेड से उठने के लिए कहता है और उसे कहता है, आज से ये मेरी दूसरी बीवी है। इसके बाद वो उन सभी पैसों को उस पर खर्च करने लगता है और साथ ही साथ अपनी पूरी फैमिली को टॉर्चर करने लगा था, जिसकी वजह पूरी फैमिली उससे नफरत करने लगी थी। इसके बाद पूरी फैमिली मिलकर उसे मारने का प्लान बनाने लगती है। एक दिन जब घर के सभी लोग चर्च जाते हैं तब वहीं पर इस घटना को अंजाम देने का फैसला करते हैं। चर्च के बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर वो थॉमस के खाने में जहर मिला देते हैं। थॉमस जब खाना खाता है तब पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बाद में वो समझ जाता है कि उसके खाने में जहर मिलाया गया है। इसके बाद वो खड़ा होकर कहता है, मैं मरने से पहले पुलिस को बता दूंगा तुम सभी ने मेरे खाने में जहर मिलाया है। फिर वो साइकिल लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगता है, जबकि उसे हॉस्पिटल जाना था, लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए नहीं अपनी पूरी फैमिली को मरवाने के लिए जा रहा था। लेकिन होश में ना रहने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता और एक नदी के किनारे गिर जाता है, क्योंकि उसने पूरा खाना नहीं खाया था। फिर वो अपने मुंह में उंगलियां डालकर उस खाने को बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो अपने घर पर दारू डालकर पूरे घर को आग लगा देता है और फिर दूर खड़ा होकर अपनी पूरी फैमिली को मरते हुए देखने लगता है। लेकिन इससे पहले वो आग पूरे घर में फैलती, घर के सभी लोगों को आग के बारे में पता चल जाता है और वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वो थॉमस को एक पेड़ पर चढ़ा हुआ देखते हैं, फिर उसे पत्थर फेंक कर जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस सब से थॉमस को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन वो सभी लोग मिलकर घर को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं थॉमस उस घर को किसी दूसरे आदमी के हाथ बेच देता है, फिर उन पैसों को लेकर उस धंधे वाली के साथ मजे लेने लगता है। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं जिस बंदे ने उस घर को खरीदा था वो अपनी पूरी फैमिली के
साथ थॉमस के घर पर आता है और उसकी फैमिली से घर खाली करने के लिए कहता है, लेकिन दोनों फैमिली में हाथापाई होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं थॉमस उन पैसों से अपने लिए एक गाड़ी खरीदता है और फिर वो उस गाड़ी को सीधा अपने घर में घुसा देता है। वो घर पूरी तरह टूटने लगता है, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली उस घर को बचाने में लगी होती है। इसके बाद ये दोनों ही फैमिली उस घर में एक साथ रहने लगती हैं। थॉमस अभी भी पूरी फैमिली के ऊपर शक करता है और अपने पैसों को अपने हाथ पर लगे हुए प्लास्टर के अंदर छुपा कर रखता है। वो अभी भी अपनी पूरी फैमिली को मारकर उस घर का राजा बनना चाहता है और धंधे वाली के साथ अपनी पूरी जिंदगी के मजे लेना चाहता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।